छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद नई राजधानी बनाने के लिए सरकार द्वारा स्थानीय किसानों से उनकी जमीन ली गई थी, जिनमें से कुछ किसानों को मुआवजा या जमीन के बदले जमीन आज तक नहीं मिल पाई है। किसानों ने सरकार को 3 जनवरी तक का समय दिया है। प्रभावित किसान संगठनों के अनुसार अगर 3 जनवरी तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया और उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। भूपेश बघेल हाय 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 प्रदेश सरकार हाय 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 भूपेश बघेल हाय 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 प्रदेश सरकार हाय 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 पानी के ठिकाने वाले भूपेश बघेल हाय 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 आने वाले 3 जनवरी 2022 में पूरे किसान पर्यावास भवन आएंगे और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वहां से हटेंगे नहीं। दिल्ली के तर्ज पर सारे किसान एकत्रित होंगे एक ही स्थान पर। यदि हमें पता चलेगा कि नेता इस गांव में किसी उनके कार्यकर्ता के द्वारा बुलाया गया है तो हम वहां से हमारे किसानों के द्वारा उनका विरोध काला झंडा और जूता का हार पहनाने के लिए हम जाएंगे। ये हमने ठान लिया है।